नमस्कार, एशियानेट न्यूज हिंदी में आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आपको पता ही होगा, कर एग्जाम फतेह हमारी ये खास सीरीज चल रही है। सीबीएसई के 10th और 12th के एग्जाम बस आने ही वाले हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वो विषय है जिनमें बहुत से बच्चों को परेशानी होती है। जी हाँ, मैथ गणित वो सब्जेक्ट है जिसमें बहुत परेशानी होती है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं, गणित पढ़ाते हैं संदीप जैन सर हैं। हम उनसे समझेंगे कि सर किस तरह से आसानी से मैथ्स पर नंबर लेकर आए जा सकते हैं और कैसे इस सब्जेक्ट पर पकड़ बच्चे बना सकते हैं। इसमें मैं 2-3 चीजें पर बात करूंगा। एक ये है कि जो बच्चों ने साल भर पढ़ाई की, एक बच्चे वो है जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की, सिर्फ आखिरी 15 दिन एक महीने में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं। जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई की उनके लिए तो रिवीजन पैटर्न है कि रिवीजन करें। रिवीजन के साथ साथ भी पूरे सिलेबस का अगर रिवीजन हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। पूरे सिलेबस का अगर रिवीजन करने में भी दिक्कत आ रही है, एक दो टॉपिक्स में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही, तो इस समय लास्ट 10-15 दिन में कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिलेगा। आप किताबें पढ़ेंगे तो बहुत टाइम रहेगा, तो आप टेक्नोलॉजी यानी सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। आप गूगल से यूट्यूब से वो पर्टिकुलर टॉपिक देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। जिस टॉपिक को पढ़ने में आपको 15 दिन एक महीने का समय लगेगा, वो आपके 3 दिन 2 दिन 5 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। दूसरा, वो बच्चे जो उन्होंने सिर्फ 15 दिन एक महीने में अच्छे नंबर भी लाने हैं और साल भर पढ़ाई नहीं की है, जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा पार्ट यह है कि पूरे सिलेबस के लिए जितने टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स को सेलेक्टिव टॉपिक्स की तरफ जाने की कोशिश करें। जैसे आप सेट थ्योरी की बात करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं, वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो जो टॉपिक्स सबसे इजी हैं उन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा टारगेट करें। हर बच्चा जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है 12th वाला, वो सिर्फ टारगेट करता है डिफरेंशियल कैलकुलस को, वो टारगेट करता है इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस में, और उसमें मैक्सिमम समय दे देता है। अगर डिफरेंशियल और इंटीग्रल के फॉर्मूले आपको क्लियर नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ऑल्दो बहुत बड़ा पार्ट है मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको फॉर्मूले याद नहीं है, तो उस पार्ट में दिक्कत होगी। तो क्या करना चाहिए हमें, जल्दी से जल्दी एक एक दो दो दिन वाले टॉपिक पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। 5-5, 8-8 नंबर हम पहले स्कोर करना चाहिए। कौन से वो टॉपिक्स हैं? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता सबसे बढ़िया टॉपिक है। कितने दिन लगेंगे आपको? 2-3 दिन। तो अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है 2-3 दिन में सब कुछ कर सकता है। दूसरा टॉपिक कौन सा है? बहुत ही आसान टॉपिक, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? 1 दिन। ज्यादा आपने नहीं पढ़ा, 2 दिन लग जाएंगे आपके पास ज्यादा। और कौन सा टॉपिक होना चाहिए? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में 1-2 दिन लगेंगे। जो टॉपिक, ये वो टॉपिक है जिसके अंदर आपको 20-25 नंबर बहुत आसानी से, मतलब जिन बच्चों को पास होने में दिक्कत आ रही है ये उनके लिए है सेगमेंट, नहीं तो पूरा का पूरा रिवाइज करना ही करना है। जहां तक कैलकुलस की बात है, कैलकुलस वाले पोर्शन को सबसे पहले पढ़ने की जगह सबसे लास्ट में पढ़े, मेरा एक सजेशन है। डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ बच्चों को तकलीफ आती है। इसके अलावा जो टॉपिक और कौन से आसानी से हो सकते हैं जिसमें 4-5 दिन का टाइम लग सकता है, वो दूसरा टॉपिक है 3D, 3D ज्योमेट्री है। और दूसरा टॉपिक कौन सा हो सकता है? वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आपको 4-5 दिन के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं, और 3D के अंदर 4-5 दिन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी कम समय में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ना है, सेट थ्योरी पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, और वेक्टर पढ़ना है। इन सबको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 10 दिन। उसके बाद भी आपके पास समय बच गया। अब आता है आपका कैलकुलस का समय। कैलकुलस मतलब आपके पास स्पेयर 10 दिन होना चाहिए, रात दिन 24 घंटे प्रैक्टिस करें। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, साथ साथ पुराने पेपर्स को रेफर करें। पुराने पेपर्स को रेफर करते समय आपको यह समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है, किन किन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक्स में से कम आते हैं। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन या मैक्सिमम पार्ट किस कौन सा होता है? कैलकुलस का। तो सारे बच्चे मैक्सिमम कौन से टॉपिक को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं? सिर्फ कैलकुलस पर। और कैलकुलस के फार्मूले और प्रैक्टिस के न होने के कारण उन्हें पूरे मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। मैथ्स से वो डरते हैं, लेकिन मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना है कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। आपको पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग। आपको पढ़ना है 3D। आपको पढ़ना है वेक्टर। आपको सबसे आखिरी में कैलकुलस करना है। ये मूल मंत्र है जल्दी से कम समय में मैक्सिमम मार्क्स लाने का। और दूसरा, जिन बच्चों ने साल भर तैयारी नहीं की है उन बच्चों को पास होने के लिए। अब दूसरा सेगमेंट आ जाता है, वो बच्चे जिन्होंने साल भर तैयारी की है, उन्होंने दूसरी बात यह है कि सिर्फ रिवीजन के नाम पे 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम निकाला है। तो रिवीजन में आपको 10 दिन का टाइम नहीं निकालना, आपके पास रिवीजन के हैं 3 दिन 4 दिन। बाकी के टाइम में आप क्या करेंगे? आप पुराने 5 साल के पेपर सॉल्व करेंगे।
एक बार दो बार जब आप पुराने 5 साल के पेपर रेफर करेंगे, आपके नंबर मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपके क्वेश्चंस का आइडिया भी लग जाएगा। नए पैटर्न के अंदर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, पुराने पेपर के अंदर एमसीक्यू कम पूछे जाते थे। नए पैटर्न में एमसीक्यू ज्यादा होने का क्या लॉजिक है? सरकार की तरफ से कोशिश है कि हर एक बच्चे को, जो जिन बच्चों को पिछले सालों के अंदर मैथ स्पेशली पेपर के अंदर सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए थे, तो इस साल नए पैटर्न के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले ज्यादा रहेंगे, ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, इसके कारण मैक्सिमम बच्चे पास हो सके। बिल्कुल संदीप सर, बहुत अच्छा आपने ये मंत्र दिया बच्चों को, कम समय में मैक्सिमम नंबर लाने का जो आपने मंत्र दिया बहुत अच्छा है। लेकिन एक सवाल जो उठता है कि बच्चों को मैथ्स समझने में प्रॉब्लम आती है, वीक हो जाते हैं बच्चे, तो वो वीक क्यों होते हैं, क्या उसके पीछे के रीजन है, क्या आईक्यू लेवल उनका कम होता है? और क्योंकि अगर मेहनत करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत की सीढ़ियां चढ़ें, क्योंकि भाग जो है लिफ्ट की तरह होता है, कभी भी रुक सकता है। मैथमेटिक्स के साथ पिछले 15 सालों का जो मेरा तजुर्बा रहा, 60,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें अब समझ में आने लगी, बच्चा समझ में आने लगा, चीजें समझ में आने लगी, किताबें समझ में आने लगी। जो मेरा अपना तजुर्बा, जाती तजुर्बा है मैथमेटिक्स के साथ, सिर्फ एक लाइन है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। वो प्रैक्टिस की मतलब रजिस्टर आप जितने भरेंगे, होता यह है कि बच्चा वीक इसलिए कि वो प्रैक्टिस नहीं करता। मेरा सिर्फ मानना है अगर बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसे मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट लगेगा, 100 में से 100 नंबर आएंगे। 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स। क्योंकि अगर जैसा अगर आपने सवाल सही किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ना मिलने की कोई चांसेस है ही नहीं। लिखने में हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर ये इसकी संभावना ना के बराबर। तो एक्सपर्ट ने जो मूल मंत्र बताया उनको फॉलो करें, जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक्स बताए हैं वो आप उसको प्रिपेयर करें तो आप एग्जाम फतेह कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, आपने एशियानेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला। तो बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।